एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के फरीदपुर के मायम सिंह गाँव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। बाद में ये कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर्स स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी, फिर भी भौतिकी के एक प्रख्यात प्रोफेसर फादर लाफोंड ने बोस को भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। जगदीश चंद्र बोस की शिक्षा। भौतिक शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 22 वर्षीय बोस चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, मगर स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से इन्होंने चिकित्सक बनने का विचार त्याग कर कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1885 में वे स्वदेश लौटे और भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। यहाँ वह 1915 तक रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में एक तिहाई वेतन दिया जाता था। इसका जगदीश चंद्र बोस ने विरोध किया और बिना वेतन के 3 वर्षों तक काम करते रहे। इसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई और उन पर काफ़ी कर्जा हो गया था। इस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। 4वें वर्ष जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। बोस एक अच्छे शिक्षक भी थे, जो कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। बोस के कुछ छात्र जैसे सत्येंद्रनाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री बने। बोस और सूक्ष्म तरंगों की खोज। इसी दौरान जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन विवर्तन एवं ध्रुवीकरण के क्षेत्र में अपने प्रयोग भी प्रारंभ कर दिए थे। लघु तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेनियम क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 साल पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाइड, ध्रुवक, पैराविद्युत लेंस, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए अर्धचालक सूचकांक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था। इसकी पुष्टि 1944 में हुई। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। सम्मान एवं पुरस्कार। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नायर की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे उपकरण और प्रयोगशाला के किया था, इसलिए जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट इसी सोच का परिणाम है, जो कि विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है।